नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। आज जदयू के लिए उसका भी समान है। बतौर पार्टी चीफ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बिंदुओं पर वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे चुनावी शंखनाद करेंगे, बिहार को संदेश देते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। आईटी तकनीक विशेषज्ञों द्वारा तैयार वर्चुअल प्लेटफॉर्म का प्रयोग पहली बार हो रहा है। आज भी कोरोना इफेक्ट के चलते सभी क्षेत्रों की स्थिति एक समान है। जनता, नेता और चुनाव आयोग के लिए एक साथ परीक्षा की घड़ी आ गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस चुनाव में एनडीए को ललकारा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का अंग बन चुकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव में सभी दल एक मत है। इधर जदयू प्रवक्ता ने सिंधमारी के स्वर में कहा है कि लालू प्रसाद का युग समाप्त हो गया। तेजस्वी का युग राजद में शुरू हो चुका है, लेकिन तेज प्रताप शंख और बांसुरी बजाते रह गए। बात करें राजद की तो आज के बूते पास या फेल होने नीति पर दल चल रहा है। इस बार नया नारा दल की ओर से आया है, नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोक जनशक्ति पार्टी का मन मिजाज नीतीश कुमार के ठीक उलट चल रहा है, जो एनडीए खेमे के लिए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दलितों को नौकरी देने के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने सवालिया लहजे में कहा कि बीते 15 सालों में जिन दलितों की हत्या हुई है, पहले उनके परिवारों को सरकारी नौकरी तो दे सरकार। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए उनके शासन काल का आईना उन्हें ही दिखाया और कहा कि किसान संवर्ग के लिए क्या कभी कृषि रोड मैप भी बना। शराब तस्करी के लिए चुनावी माहौल को अनुकूल बनाने में लगे तस्करों का हौसला इतना बुलंद है कि वे राजधानी पटना के इलाके में प्रशासन से सीधी टक्कर लेने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति की एक गुट ने 10 सितंबर से हड़ताल का ऐलान कर शासन की नींद उड़ा दी है। अपनी मांगों पर अड़े संघ के सदस्यों का रुख सरकार के साथ सहयोगात्मक नहीं है। जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनेगी तो हर गरीब परिवार के लिए 1 BHK फ्लैट दे देंगे। कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम में वायदों की चाशनी में लपेट कर परोसना सभी दलों ने सीख लिया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।